मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? हाँ यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो और किसी का वेट नहीं करके हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो, तुम लोग को सेमेस्टर फोर है। सेमेस्टर फोर में तीन पेपर है, इतना तो मालूम ही होगा। और जो तीन पेपर है, तो फर्स्ट पेपर है तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड, यानी ये हो जाएगा पेपर एट। फिर पेपर नाइन है रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, और पेपर टेन है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम पेपर वन से शुरू कर रहे हैं, मतलब पेपर एट यानी कि न्यूमेरिकल मेथड। तो उसका कुछ पोर्शन पहले पढ़ा लेंगे और तब इसके बाद आते हैं पेपर टू, पेपर नाइन पे, और उसके बाद पेपर टेन पर। तो हम लोग अभी देखते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स का पेपर। टाइम पर तुम लोग आओ ज्वाइन करने के लिए, टाइम पर आने से ठीक रहेगा। फिर आ रहा है बार बार ये तीन तीन लोग का। देखो, फर्स्ट यूनिट है तो इसको हम लोग देखा जाए। द एम ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स इज टू प्रोवाइड, अब कल से हम इसको बंद कर देंगे, लेट से ज्वाइन करना, इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल आंसर्स टू सम प्रॉब्लम्स सच एज ए टैबुलेटेड प्रॉब्लम। यानी कुछ हमें टैबुलेटेड प्रॉब्लम दिया रहता है, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। इन सच केसेस द न्यूमेरिकल डेटा यूज्ड आर ओनली अप्रोक्सीमेट विच आर ट्रू टू टू थ्री फोर और मोर फिगर्स ओनली। Sometimes the methods are also not accurate. मैंने एक तो टू थ्री या फोर पॉइंट फिगर तक ही होगा ट्रू, या कभी कभी है कि
फिगर एक्यूरेट नहीं है, अपना नाम लिख के आओ जी। कभी कभी है कि जो मेथड है वो भी एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट रहता है। एंड सो वी मे फाइंड एरर्स ड्यू टू फर्स्ट द एरर इन डेटा एंड सेकंड द एरर इन द मेथड और द एरर इन बोथ। इसमें हम लोग को एरर पढ़ना है तो पहले देखो राउंड ऑफ एरर क्या हो। टू कट ए लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स टू यूजेबल नंबर ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। अब इसका रूल है टू राउंड ऑफ टू एन सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिस्कार्ड ऑल डिजिट्स टू द राइट ऑफ द नेक्स्ट डिजिट एंड इफ दिस डिस्कार्डेड नंबर इज लेस देन हाफ ए यूनिट इन द एन प्लस वन एथ प्लेस लीव द अनथ प्लेस अनअल्टर्ड। जैसे 2.456743 है और इसको हमें लास्ट वाला हटा देना है, तो चूंकि ये हाफ ए यूनिट से कम है तो उसको हमें छोड़ देना होगा, तो इसका अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 2.45674। इसको लिखो और कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे पूछो। अपने अपने नाम से आओ, रियलमी प्रो अपना नाम लिख के इसमें आया करो। रियलमी प्रो पता नहीं कौन है। और लिख लेने के बाद बोल देना कि हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर आपका पीक दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं, जो हम शेयर किए हैं लिखा हुआ हैंड रिटेन मटेरियल दिख रहा है? यस सर। हाँ तो हमको यहाँ मैसेज भेजा कोई कि सर कुछ दिख नहीं रहा है, हमको मैसेज आया यहाँ पे चैट बॉक्स में। अच्छा सर लिखा हुआ नहीं? हाँ उसका वो ठीक नहीं होगा मोबाइल। सर नेटवर्क इशू होगा शायद। हाँ मे बी नेटवर्क इशू हो। जल्दी जल्दी लिखोगे तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे। अरे कौन है रियलमी 5 प्रो अपना नाम तक नहीं लिखता है, इडियट जैसे आ रहा है बार बार।
लिख लिए तुम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये वाला पेज दिख रहा है तुम्हें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट रूल। अभी देखो सेकंड। ग्रेटर देन हाफ अ यूनिट इन दी एन प्लस वन एथ प्लेस, यानी कि पांच से ज्यादा होगा एन प्लस वन एथ में, इंक्रीज दी एनएथ डिजिट बाय यूनिटी। फॉर एग्जांपल 2.456146 है, ये जो सिक्स है ये पांच से ज्यादा है तो इसको रिमूव कर देंगे, तो 2.45675 अप्रोक्सीमेशन हो गया और फोर में एक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एग्जैक्टली हाफ यूनिट इन दी एन प्लस वन एथ प्लेस में, एकदम हाफ यूनिट में पांच हो गया, तो इंक्रीज दी एनथ डिजिट बाय यूनिटी इफ इट इज ऑड एंड अदरवाइज लीव इट अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल 2.456145, ये एन प्लस वन एथ डिजिट तुम्हारा पांच है, एग्जैक्टली हाफ है, बट इसके पहले क्या है, इवन नंबर है, सो लीव इट अनचेंज। नेक्स्ट 5 है, 5 के पहले एक ऑड नंबर 3 है, तो वी विल इंक्रीज इट बाय वन यूनिटी, सो इट इज 4, 2.45674। द राउंडेड ऑफ नंबर इज सेड टू बी करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल 1.6583 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.658, 30.0567 is equal to 30.06, 0.85978 is equal to 0.8594. It has four significant figures. 3.14159 is equal to equivalent to 3.142. It is of four significant figure. Similarly, 3.14259 is approximately 3.142. It is of four significant figure. Now come around absolute error. What is absolute error? Absolute error is can be written as x minus x1, or it is delta x, where x is the true value of a quantity and x1 is the approximate value of this quantity. Relative error ER is given by EA by X, when it delta x by x, it means x minus x1 by x, and the percentage error is 100 times relative error. So EP is equal to 100 into ER, it means x minus x1 by x into 100. ये तीन तरह का error तुम्हें पढ़ना है, absolute, relative and percentage error. तो इनको भी जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कोई डाउट है तो मुझे पूछो।
हो गया सर, पेज को बढ़ाइए। हो गया सर।
लिख लिए सर। हो गया सर। अगला नहीं लिखे सर। लिख लिए सर। आज का तुम लोग का क्लास फिर हम यहाँ भी बंद करते हैं, और कल से टाइम में तुम लोग अपना ज्वाइन करो, देर से ज्वाइन करने में गड़बड़ है। और को हमारा ये रहेगा कि 3 से 4 ही तुम लोग का क्लास करते हैं। कुछ पूछना है तुम लोग को? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर हम थैंक यू सर। हाँ, अभी क्लास बंद कर रहे हैं, फिर कल से रखेंगे नेक्स्ट। सर। हाँ बोलो। सेम 3 का एग्जाम नहीं होगा सर? सेम 3 का एग्जाम इंटरनल नहीं, मतलब कि फाइनल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम तो लगता है कि विश्वविद्यालय तुम लोग को प्रमोट कर देगा सीधे बिना एग्जाम दिए। देखते रहो, पेपर में देखते रहो न्यूज, और विश्वविद्यालय का वेबसाइट देखते रहो। सेम 2 का मार्क्सिट आ गया सर?